राधे राधे, इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ओके, दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम. द इक्वेशन ऑफ स्टेट करस्पॉन्डिंग टू 8 ग्राम ऑफ O2 इज, देखो आइडियल गैस इक्वेशन पता है क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, राइट. यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. ओके, तो n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल m. तो गिवन मास कितना है हमारा, 8 ग्राम. ओके, एंड मोलर मास कितना होता है O2 का, 16 × 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम. ओके, मोलर मास कितना है, 32. तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 1/4. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, PV इज इक्वल टू n की जगह 1/4 और RT, तो हमारा क्या है, PV इज इक्वल टू RT/4. ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव RMS वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 × 10^5 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, वेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर रिस्पेक्टिवली 127 डिग्री सेल्सियस एंड 0.05 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द RMS वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन मीटर पर सेकेंड इज. ओके, तो हमें इस टेम्परेचर पे वी RMS फाइंड करना है. ओके, तो T1 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस प्रेशर कितना है, P1 कितना है, 1 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड वेलोसिटी, ठीक है, VRMS कितना है, 200. V1 कितना है, 200 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड एट 127 डिग्री सेल्सियस प्रेशर P2 कितना है, 0.05 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, एंड इस टेम्परेचर पे हमें VRMS फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है. ओके, अब देखो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस टेम्परेचर को मैं केल्विन में चेंज कर देती हूँ. 273 से प्लस करने पे ये केल्विन में चेंज हो जाता है. ओके, तो 300 केल्विन और ये कितना हो जाएगा, 400 केल्विन, राइट. अब देखो VRMS क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू 3 RT/m. तो VRMS जो होता है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है. ओके, तो मैं क्या करती हूँ, V1 से V2 को डिवाइड करती हूँ, V1/V2, तो √T1/√T2 होगा. ओके, ठीक है ना. तो अब देखो V1 कितना है हमारा, V1 है 200. ओके, V1 हमारा 200 है और V2 हमें फाइंड करना है. T1 कितना है, T1 हमारा है 300. ओके, एंड T2 400 केल्विन, राइट. अब कैंसिल करो तो क्या आएगा हमारा, √3. अब मैं इसे √4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ ना. ओके, तो 200 V2. ओके, तो V2 हमारा क्या आएगा, 400 √3. ओके, मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो V2 हमारा 400 √3 मीटर पर सेकेंड आया है. ओके, VRMS एट 127 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर वुड द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव ट्वाइस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी दे हैव एट 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, देखो इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि किस टेम्परेचर पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाता है, ठीक है. देखो हमें जो टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है. ओके, तो मान लेते हैं इस टेम्परेचर पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो k है, ठीक है. और हमें फाइंड क्या करना है कि किस टेम्परेचर पे ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाता है, ठीक है. मान लेते हैं T2 टेम्परेचर पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाता है. ओके, तो
अब देखो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 nRT। इसमें 3/2 nR क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, पहले टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर देती हूँ। ओके, तो क्या आएगा हमारा, केल्विन में चेंज करेंगे तो 293 केल्विन। ओके, अब देखो अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ। डिवाइड करने पे क्या आएगा, 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, T1 कितना है, 293 केल्विन, और T2 हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखो T2 क्या आया, 586 केल्विन, ये केल्विन में। और हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो किस में है, डिग्री सेल्सियस में है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, जब इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 586 - 273 कितना आएगा, 313 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमारा T2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 m³ हैज अ गैस एट 1 atm। दी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज, ठीक है, तो हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है ना, तो देखो हमें, ठीक है, हमें पता है कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक, तीनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। ओके, राइट, अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, F/2 rT। अब ये ट्रांसलेशनल का है, ठीक है, तो कितना होगा, 3 होगा। ओके, हमें पता है ना कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक के लिए, तीनों के लिए कितना होता है, 3 होता है, राइट। तो 3/2, अब देखो फॉर 1 molecule PV = RT, राइट, तो PV, ओके, प्रेशर कितना है, 1 atm, ठीक है, 1 atm। ओके, तो ये 1.01 × 10⁵ pascal। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ पर 1 × 10⁵, ठीक है, पुट कर रही हूँ, और वॉल्यूम कितना है, 1 m³, राइट। अब इसे सॉल्व करो, 1.5 × 10⁵ joule आएगा, है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, कंसिडर अ सैम्पल ऑफ ऑर्गन गैस कंटेन अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम वी, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द ऑर्गन एटम इज Vm। इफ द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू अ वॉल्यूम ऑफ 2V, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड टू द गैस मॉलिक्यूल वुड बी। देखो जो हमारा V1 है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, VRMS, V1 कितना है, Vm गिवन है, राइट। जब हमारा वॉल्यूम मान लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम जो है V है। ओके, अब जब वॉल्यूम एक्सपेंड होके 2V हो जाता है तो हमें, ठीक है, जब हो जाता है तो हमें VRMS फाइंड करना है। ओके, ठीक है, V2 मतलब फाइंड करना है। ओके, अब देखो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू √3PV/N, ठीक है। ओके, 3P/N, ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो V1 को मैंने V2 से डिवाइड किया। ओके, तो V1 / V2 इज इक्वल टू √V/√2V, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम एक्सपेंड होके 2V हुआ ना, तो वही 2V। ओके, तो देखो V1 कितना है, Vm है। ओके, V2 हमें फाइंड करना है, राइट। अब देखो V/2V तो हमारे क्या है, 1/2, है ना, √1/2, राइट। अब देखो V2 इसे सॉल्व कर दो, 1/√2, तो हमारा V2 कितना आ गया, √2 Vm। ओके, V2 कितना आया,
रूट टू वी एम. ओके, तो ऑप्शन देखो रूट टू वी एम, इसका मतलब ऑप्शन वी इज करेक्ट. ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू.